वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों फिर से आपको नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग गया स्टेशन पर है, आप देख सकते हैं गया जंक्शन पर है और गया जंक्शन पर आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आज बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये वीडियो। आप लोग आप टिकट खरीदते होंगे और रिजर्व टिकट खरीदते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता होगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हमको आपको बताएंगे कैसे आप लोग लाइन से बच सकते हैं। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर एक मशीन लगा रहता है जिस मशीन का नाम है ATVA मशीन, यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। तो वही मशीन में आप लोग अपने अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है तो आपको स्कैन करके आप लोग बिना लाइन में खड़े हुए आप टिकट निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चलिए आपको दिखा रहे हैं कैसे टिकट में निकालेंगे। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे साथ 30 भाई है, हम लोग दोनों आए हैं गया जंक्शन पर, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज अभी हम आ रहे हैं मशीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार दो ऑप्शन मिलेगा। तीसरा ऑप्शन मेरा और अंदर स्टेशन पर आपको जहाँ जाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए हम लोग अभी गया स्टेशन पर है, गया से पटना जाना हुआ तो हम लोग पटना में सर्च करेंगे पटना, जैसे हम पटना में पटना जंक्शन हम पटना क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है और पे का ऑप्शन, मतलब आप लोग पैसा पे कर सकते हैं। हम लोग पे पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर दोनों ऑप्शन लिखने की क्यू आर, मतलब आप लोग क्यू आर से स्कैन कर सकते हैं। आप लोग क्यू आर यहाँ पे क्यू आर रुक जाएगा, तो आप लोग क्यू आर पे स्कैन कर लेगा तो आप लोग 50 रुपये से क्लिक कर देंगे और टिकट नीचे आ जाएगा। तो यही ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन,